दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छा स्टॉक इंट्राडे के लिए फाइंड आउट तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें सही ट्रेड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो कभी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है ना। या फिर हम मान लीजिए किसी टेक्निकल का सहारा ले रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं यार, इसमें किस तरीके से ट्रेड लें। या फिर जैसे कि मैं, आप जानते हैं कि मैं इंट्राडे के लिए डेली स्टॉक देता हूँ, अच्छे स्टॉक होते हैं, एक अच्छे मूव देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि गिने चुने इंसान ही कमा रहे हैं उस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से ट्रेड लें। तो मैं आपको आज एक और नई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसमें आप जो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है या डर रहता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल तो क्या, प्रैक्टिस से ही ख़त्म होता है, ऐसा इतना आसान नहीं रहता, लेकिन ये पक्का है कि आपका काफ़ी हद तक, मतलब नुकसान तो खैर मैंने जितने भी स्टॉक और ये बताए उसमें नुकसान का सवाल ही नहीं होता है कि नुकसान होगा, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में जो टेंशन है या जो भय है कि यार ये स्टॉक ऐसा तो नहीं गलत ट्रेड ले, या गैप अप गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड ले, है ना। या फिर मान लीजिए कि आपके रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद आप नहीं ले पाते हैं, तो उसी का मतलब ये एक सोल्यूशन है। ये दो पार्ट की सीरीज रहेगी, क्योंकि ये क्या है कि आपको कुछ डेटा पुल करना होगा, क्योंकि मैं एक में बनाऊंगा तो ये लगभग आधा घंटे समथिंग का बन रहा है, 30 मिनट से ऊपर का, तो इसको क्या है कि मैं दो पार्ट में कर दूंगा, तो उससे क्या है कि आपको एक जल्दी और आसान हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि मैं ये बताऊँगा उसमें आपको बहुत सो को ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमें पता है, पर यकीन मानिए कि जो मैं बताऊँगा ट्रेड कैसे लेना है, परफेक्ट ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि इंट्राडे में जब आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे डिसीजन लेने वाले आप खुद रहते हैं, दूसरा तो कोई ये नहीं कि बता देगा, और उसी कन्फ्यूज़न में आप ना तो ट्रेड ले पाते, अच्छे स्टॉक होने के बावजूद नहीं ले पाते। आप मेरे पुराने स्टॉक हों जो मैं देता हूँ वो उठाइए और उनको हर दिन मैच करिए कैंडल के साथ कि वो कितने सही है, पर उसमें से क्या सारे कमा रहे, संभव ही नहीं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में ही चीज़ चल रही है अभी तक। थोड़ा बहुत आप इंडिकेटर की मदद से कमा सकते हो, 1-2 हज़ार आपको निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो 20-50 हज़ार रुपये मतलब डेली की आपको अर्निंग करनी है, तो आपको डेटा का सहारा लेना होगा। तो ये जो मैं बताऊंगा ये पूरा डेटा के आधार पे है, आप एक भी इंडिकेटर नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, इसके आधार पे अगर ट्रेड लोगे तो यकीन मानिए क्या आपके 95% मतलब ट्रेड हमेशा सही रहेंगे। 100 ट्रेड लोगे 95-101% सही रहेंगे। तो आप इसको पूरा देखना किस तरीके से कैसे, बिल्कुल जल्दी से मैं बता देता हूँ कैसे, क्या फाइल, कौन कौन सी फाइल हमें देखनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको NSE की साइट पे जाना है, होम पेज में आप यहाँ पर गए, आपको ऑल रिपोर्ट में जाना है। जैसे कि आप ऑल रिपोर्ट में चले जाओगे, है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो ये डेली वोलेटिलिटी की रिपोर्ट है ये डाउनलोड करनी। अब आप में से बहुत से सोचेंगे यार वोलेटिलिटी क्या चीज़ है, या फिर हमें पता है, आपको पता है पर यकीन माने कि ट्रेड कैसे लेना ये पता ही नहीं है, और ख़ास करके इंट्राडे में। और आप इतने वीडियो है यूट्यूब पर देख लीजिए, अगर कोई किसी ने इंट्राडे में इसके सिर्फ इसके आधार पर किसी ने ट्रेड लेते बताया हो, तो संभव ही नहीं कि किसी को, क्योंकि इतना डीप में कोई भी नहीं जाता है क्या एनालिसिस करना। तो आप इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, तो ये जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये इस तरीके से ओपन होगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दो फाइल है, एक तो ये डाउनलोड करना है आपको, है ना। मैं आज ये सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्या इसमें व्यवस्थित करनी, क्योंकि कल वाले में हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम फटाफट जानेंगे कि उसको ट्रेड कैसे लेना है ना, या फिर उसको मैनेज करके ट्रेड कैसे लेना है, सिर्फ इतना ये करेंगे। इसको डिलीट कर देना, तारीख की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इन सारों की भी ज़रूरत नहीं है, करंट डे की ज़रूरत है, ये डिलीट कर दी। ये ईयरली वाली भी डिलीट कर दीजिए, ये आपके पास आ गई। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो हमें क्या करना है कि इसमें को थोड़ा और अच्छे से सेट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, ये अब एक परफेक्ट हो गया है ना। ये ड्रैग कर दीजिए नीचे, कंट्रोल सी कीजिए क्योंकि हमें फार्मूला रिमूव करना है, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ये आपके पास
हर स्टॉक की ये आ गई, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं लेकिन मैं कल बताऊंगा ना तो उसमें ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं ले आप, ये इसको ये आना चाहिए आपको करते। ये हो गया, दूसरी फाइल फिर हमें देखनी है, डेरिवेटिव के सेक्शन में जाना है आपको, यहाँ पर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर जाके डेली वोलेटिलिटी पर वापस क्लिक करना है यहाँ पर, ये फाइल और जो भी तारीख हो आपकी है ना जैसे कि आज की, तो ये यहाँ पे डाल के और इसको डाउनलोड कर लीजिए, मेरे पास पहले से ओपन है तो ये इस तरीके से आएगा। तो इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें से सबसे पहले डेट को डिलीट कर दीजिए आप, सिंबल चाहिए हमें, करंट डे का चाहिए हमें ये वाला, याद रहे हमें ये वाला चाहिए एल वाला, ये एफ वाला करंट डे नहीं चाहिए है ना, ये ऐसा क्यों, ये फिर आने वाले समय में बात करेंगे, आप हमें ये चाहिए, इसकी ज़रूरत है ना, तो इन सारे को डिलीट कर दीजिए आप, सेम प्रोसेस है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मुश्किल से एक दो मिनट का काम रहता है, और ऑटोमेट कर लिया है तो वो 4-5 सेकेंड का, फिर वापस यहीं पर इज इक्वल टू 100 कर दीजिए, ये आ गया, कंट्रोल सी दबाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू। अब हमारे पास जो FNO के स्टॉक है उसकी वोलेटिलिटी भी आ गई है और इक्विटी के दोनों की आ गई है ना। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये आपको ऐसे फाइल बना के कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं। अब ये हमारे पास दोनों आ गए, अब इनको ट्रेड कैसे करना है ये मैं कल बताऊंगा, इतना भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं, एक बार आप समझ जाओगे ना, एक दो बार में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप बिल्कुल, क्यों बहुत बार क्या है कि बहुत से ऐसे स्टॉक रहते हैं जैसे डोजी बन जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, मतलब कन्फ्यूज़न में हम पूरा दिन निकल जाता है, या फिर क्या उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो कोई सा इंडिकेटर वगैरह उठा के ना देखते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसके आधार पर, अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया यही काम करती, दूसरा काम ही क्या था फिर, इंडिकेटर वगैरह इतना आसान होता तो इंडिकेटर करते, ऐसा नहीं है, सही समय पे मतलब वो बिल्कुल सही समय पे सही स्टॉक पर काम करते हैं क्या, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी थोड़ी। डेटा अगर ज़्यादा कमाना है तो आप डेटा पे डिपेंड रहिए। अभी आपके पास एक फाइल बन के कम्प्लीट हो गई, अब हमारे पास ये दोनों फाइल कंप्लीट हो गई। अब जब कल अब हम बात करेंगे है ना, मैं जब भी ये दूसरा इसका वीडियो डालूंगा तो उसमें एक तीसरी ब्लैंक फाइल में हमें इनको पुल करना रहेगा, तो वो सब बता दूंगा मैं किस तरीके से पुल करना है, साथ में किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है ना, क्योंकि इन आप सिर्फ इक्विटी की वोलेटिलिटी के मदद से कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपको दोनों को देखना है, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आपको पुल करना है, ये टोटल नेक्स्ट वीडियो इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न आपका जब तक दिमाग से नहीं जाएगा है ना, कोई सा भी मतलब आपको सभी तरीके से आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा हमेशा, चाहे जितने अच्छे स्टॉक दे दो आपको कभी भी आप सही ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने दिल में, क्यों वहाँ पे क्या है कि हमारे आँख के सामने पैसा कम ज़्यादा होता है, तो वो एक अलग ही वो रहती है, धड़कन बढ़ी हुई रहती है कि यार कम हो रहा, अगर आप एक बार सही ट्रेड लेना सीख गए तो उसके बाद ये मैटर ही नहीं करेगा कि यार मार्केट किधर जा रहा, कि कुछ आपने सही लिया है तो 1001% फिर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, पर वो सही लेना आना चाहिए आपको, सभी तरीके से परफेक्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दो चीज़ें देख ली सीख गए और उसके आधार पे आप कभी भी नहीं सीखोगे, ये तो बेसिक भी नहीं है, अगर मैं ये रियलिटी में बताऊँ ना, आप मेरे वीडियो देखो अभी अभी स्टार्ट करा है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत एडवांस है, लेकिन बहुत स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, तो अब सोच लीजिए कि एडवांस लेवल में फिर किस तरीके का होगा है ना, जब ये नॉर्मली में इतना एक्यूरेट चल रहा है तो एडवांस लेवल में फिर क्या होगा ना, किस तरीके से, तो वो सीखनेस पहले आपको ये नॉर्मल चीज़ आनी चाहिए, अगर ये जितनी फाइल है ये बहुत नॉर्मल है, इसमें अब आल रिपोर्ट में जाओगे तो कितनी फाइलें हैं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतनी फाइलें हैं,
सबको रीट आपको आसानी से मतलब एक बार में एक नज़र में आपको समझ में आ जाना चाहिए यार कौन सी फाइल का क्या महत्व है, कैसे रीट करते हैं, आपको एक बार डेटा देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ये इंट्राडे का जो आपका कन्फ्यूज़न है ये ज़रूर दूर हो जाएगा। मैं अब ये बोथ्सों को ऐसा लगेगा वोलेटिलिटीज़ क्या होगा और क्या नहीं, ये सब अब आपको कल जब हम ये करेंगे ना मैं बताऊंगा। और फिर आने वाले समय में जब लाइव मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक है जैसे उस रोज ब्रिटानिया का है ना, या फिर जैसे आज का स्टॉक ले लो आप ये अपना L&T का, इंडसइंड बैंक है, ये ऐसे ही स्टॉक है जिसमें अच्छी मूव दी लेकिन आप नहीं कमा पाए। क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न था कि यार इनमें कैसे ट्रेड ले। कन्फ्यूज़न दूर करना है तो कल का वीडियो ज़रूर देखें, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।